नमस्कार, मैं नियाज खान। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की फिल्म शेरशाह रिलीज होने के बाद एक के बाद एक कई रिकॉर्ड बना रही है। पहले फिल्म IMDb पर सबसे ज्यादा टॉप रेटिंग वाले फिल्मों के लिस्ट में शामिल हुई और फिर फिल्म OTT प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम वीडियो पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्म बन गई। अब फिल्म के म्यूजिक ने भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म का गाना रांझा बिलबोर्ड चार्ट्स के ग्लोबल डेब्यू सॉन्ग में शामिल हो गया है। फिल्म के गाने अमेरिका में भी जबरदस्त पसंद किए जा रहे हैं। बी प्राक और जसलीन रॉयल की आवाज में गाया हुआ ये गाना लिस्ट में 73वें नंबर पर है। इस सफलता पर फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर खासे खुश हैं। करण ने ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की। करण ने बताया कि फिल्म के गाने को 73वें नंबर पर शामिल किया गया है। करण ने ट्वीट करते हुए लिखा, शेरशाह का म्यूजिक पूरी दुनिया में दिल जीत रहा है। बता दें कि इस गाने को YouTube पर 8 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। बात करें शेरशाह फिल्म की, तो इस फिल्म की कहानी भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी पर आधारित है। फिल्म में सिद्धार्थ ने कैप्टन विक्रम बत्रा तो वहीं कियारा ने डिम्पल चीमा का रोल निभाया है। फिल्म को दर्शकों ने काफी प्यार दिया है। फिल्म का डायरेक्शन विष्णु वर्धन ने किया है और इसे प्रोड्यूस करण जौहर ने किया है। बता दें कि फिल्म IMDb पर 8.9 स्टार्स रेटिंग मिली है। फिल्म को दर्शकों के साथ साथ बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आलिया भट्ट से लेकर शाहरुख खान, कंगना से लेकर कमल हासन तक हर किसी ने फिल्म की तारीफ की है। इस फिल्म को लेकर किसी ने नहीं सोचा था कि शेरशाह इतनी पसंद की जाएगी। इसी फिल्म के साथ अजय देवगन की फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया भी रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना शेरशाह को मिला है। यूं तो दोनों ही फिल्मों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन दर्शकों के दिलों को शेरशाह ने ज़्यादा छुआ और फिल्म सुपरहिट हो गई। फिल्म की सफलता से सिद्धार्थ, कियारा समेत पूरी टीम काफ़ी खुश है। सभी की मेहनत रंग लाई। अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो अभी जाकर देखिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।